नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आए हैं हरियाणा के अंदर आए हैं और आप देख सकते हैं सोनाली का 50 जो है ये पत्ती इकट्ठी करने की मशीन है और इसके जो ये बंडल बना रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्या देखो, ये डिपलर से बना दिए इसके, ये गूथ के उधर पापा भी हैं, देख रहे हैं ऐसे क्या सिस्टम है इसका और ये कहाँ जाएगी जानकारी लेंगे। यहाँ कोई किसान तो है नहीं, बहुत ही धूल काम हो रहा है दोस्त, और ये उधर इकट्ठा कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चल रही है मशीन दोस्तों, ये पत्ती को उठा रही है। भाई ये क्या बोल रहे हैं ये मशीन को, बैलर बैलर बैलर, और ये जो इकट्ठी कर रही है इसका क्या बनेगा? तो इधर सोनाली का DI-50 चला रहा है और आप देख सकते हैं ये बेलर में जाओगी और ये देख लो मशीन की क्या सेटिंग है, ये लगातार इसे बांध के पीछे फेंक रहा है और ये देखो कितना तकड़ा बांध दिया इसमें बंडल इसने, ये बहुत ही जोर का जुगाड़ है। और हम आज हरियाणा में हैं और आप देख सकते हो ये रेत के बड़े बड़े यहाँ टिल्ले लगे हुए हैं, वो देखो एक पहाड़ लग रहा होगा, कम से कम ये कई हजार टन का वो है पहाड़। और उधर जमुना का गंगों के ऊपर पुल बन रहा है ये वहाँ तक। ये हमारे साथ में जो है भैया जी हैं एक हमारे जानकार, और इस मशीन की कारीगरी देखो आप, इसने पूरी बांध के बंडल घेर दिए, बहुत ही बढ़िया। और हमारे देश का सबसे खुशी की बात है, हमारे देश का बना हुआ ट्रैक्टर चल रहा है इस पर सोनाली का 50, बहुत बढ़िया, देख के मन खुश हो गया। दोस्तों आज देखो हमारे देश के साइंटिस्टों ने कितनी तरक्की कर ली कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ बना दी कि कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा जो हम पहले इस पत्ती को जलाते थे फूंकते थे, अब वो भी काम सारा ख़त्म कर दिया। दोस्तों वो जो परली तरफ है सोनाली का 700 मतलब 50 जो है उस पर चल रहा है, 35 है शायद वो, ये 50 है, वो इकट्ठा करने की मशीन ले रहा है जो चारों तरफ से गोल गोल करके इकट्ठा कर देगी, जैसे इन्होंने आपने देखा होगा ये कर दी और इसके ऊपर अब ये चल गई। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया काम है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैं बात बता दूं, जैसे ये मतलब हम पहले पत्ती जलाते थे इसका प्रदूषण भी बहुत फैलता था, अब इस मशीन का ये काम है जैसे मतलब ये इसे इकट्ठा कर ले तो ये किसी काम में भी आ जाओगा और प्रदूषण भी नहीं होने का। नमस्कार दोस्तों।